हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज के इस व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा, आज के इस व्लॉग में मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा अपना जिम टूर। गाइस, कितना बड़ा जिम है, क्या फैसिलिटीज़ है जिम में, कितनी क्या फीस है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे गाइस। और जिम में आपको सारी मशीनें भी दिखाएंगे, कौन कौन सी मशीनें अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ जिम में मिलती है, तो सारा ए टू जेड आप लोग के साथ आज शेयर करेंगे। तो इस टाइम में मॉर्निंग में ही वीडियो बना रहा हूँ गाइस, 6 बजे मॉर्निंग के, और अभी बैच भी 6 बजे से चालू होने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है ना, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि अपने जिम की फ़ीस कितनी है। फ़ीस हमारे जिम की जो रहेगी, आपका ओवरऑल जो जिम का पैकेज है 3 मंथ्स का 3000 रुपीज़ है, और अगर आप मंथली करते हो तो 1600 मंथली है। अब उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ गाइस क्या क्या है कि आपको यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी, और मैं ट्रेनिंग खुद देता हूँ, बाकी एक और भैया स्टाफ में है। तो उसमें फैसिलिटीज़ आपको ये चीज़ है कि ट्रेनिंग आपको मिलेगी, वर्कआउट शेड्यूल मिलेगा, और कस्टमाइज डाइट प्लान भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिसका जैसा भी गोल हो। मतलब मेरे यहाँ मतलब खुद के मेरे बनाए हुए 10 से 12 न्यूट्रिशन प्लान है, डाइट प्लान, जो आपको जो भी आपका गोल हो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करवाया जाता है। और वाईफाई फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल मिलेगी, प्लस आपको वाटर, आपको 3 प्रकार का वाटर भी आपको मिल जाएगा, होल्ड, कोल्ड एंड नॉर्मल वाटर। तो उसके लिए भी मशीन लगी हुई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, जिम मेरा जितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है कि मतलब मेरी जो ये जिम है ना, ये रेंटेड बिल्डिंग पे है, मेरी नहीं है, रेंटेड बिल्डिंग पे है। ये लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट जगह पे पूरी जिम बनी हुई है, और आपको यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फीस में ही समझो या फ्री समझो। जिम का पूरा एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1800 से 2000 स्क्वायर फीट है। उसमें मेरा स्ट्रेंथ सेक्शन आपको मिलेगा एंड कार्डियो सेक्शन मिलेगा, बाकी क्रॉसफिट हिट ट्रेनिंग मैं खुद करवाता हूँ। तो आपको दिखा दें, इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा वेट ट्रेनिंग सेक्शन लगा हुआ है, पूरा वेट ट्रेनिंग सेक्शन लगा हुआ है। इस साइड चेस्ट के लिए बेंचें वगैरह रखी हुई है, अपर चेस्ट के लिए भी अवेलेबल है, साइड रेस शोल्डर के लिए भी अवेलेबल है मशीन, बाकी आपको रैक स्क्वाट मिल जाएगा। इसमें आप 3-4 प्रकार से भी एक्सरसाइज लगा सकते हो, लाइक चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, बहुत प्रकार के मतलब आप लगा सकते हो इसमें। और तीनों बेंचें आपको फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन यहीं पर देखने को मिल जाएगी, बाकी सीटेड कार्ब्स उस साइड कॉर्नर पर रखा हुआ है, और बाकी प्रेशर कल आपकी वो वाली उस साइड रखी हुई है कॉर्नर पर। इस साइड पर पूरा डंबल लगा हुआ है, ये आपका 15 kg to 35 kg तक यहीं पे आपको इस वाले स्टैंड पे मिलेंगे, बाकी सेकंड स्टैंड भी आपको दिखाता हूँ। और इस साइड आपको लेग पुल डाउन मिलेगा, आपको लेग प्रेस मिलेगा, और लेग एक्सटेंशन आपको मिलेगी मशीन। इस साइड आपको सेकंड स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2.5 से लेके 12.5 kg डंबल तक अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके जो बैक साइड में रखी है पैक डेक रखी हुई है, जो कि हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई, तो वो भी मशीन रखी हुई है पीछे। इस साइड सीटेड रोइंग रखा हुआ है, और ये गाइस जो मैंने आपको पूरा दिखाया है ना, ये पूरा स्ट्रेंथ सेक्शन है, पूरा स्ट्रेंथ सेक्शन है, वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। और आप इस साइड आ जाओगे तो इस साइड आपको सपोर्टेड और आपको असिस्टेंट पुलअप्स मिल जाएगा, जो काफ़ी हेल्प करता है आपको लेट्स ट्रेन करने में। और जो लोग, जो भाई मतलब पुलअप्स नहीं लगा सकते, तो ये मशीन मेरे को इतनी बेस्ट लगी कि आप सपोर्टेड मतलब सपोर्ट लेके लगा सकते हो, जो भाई धीरे धीरे जल्दी सीख जाते हैं, जिससे गर्ल्स और लेडीज़ों को भी जल्दी रिजल्ट मिलता है, प्लस जल्दी सीख जाती है वो लोग पुलअप्स वगैरह लगाने में। बाकी इस साइड पूरा फंक्शनल ट्रेनर रखा हुआ है, ये भी फंक्शनल ट्रेनर काफ़ी बड़ा है गाइस, क्योंकि इसमें भी आप लोग को पता होगा बहुत प्रकार की एक्सरसाइज लगा सकते हैं। बाकी उस साइड फिक्स बारबेल रखी हुई है, जिग जैक में भी और आपका नॉर्मल बारबेल में भी, तो ये चीज़ है। और बाकी मैं आपको अपना लेडीज़ जिस साइड एक्सरसाइज लगाती है वो भी एरिया में आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरी गैलरीज है गाइस, ये पूरा लेडीज़ मतलब डिपार्टमेंट है कह सकते हो आप, कि लेडीज़ यहाँ पे सब एक्सरसाइज लगाती है, लाइक हिट ट्रेनिंग हो गया, कार्डियो की एक्सरसाइज हो गई, एब्डोमिनल एक्सरसाइज हो गई मैट पे पूरी यहाँ पे, और एरोबिक जुम्बा टाइप भी आप कह सकते हो, वो भी मिक्स में करवाया जाता है पूरा इसी के साथ।
तो ये चीज़ है। बाकी सामने आप देख सकते हो लॉकर फैसिलिटीज़ भी है, लॉकर जो लोग लेना चाहे तो लॉकर भी मिल जाएंगे, लॉकर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, लॉकर फैसिलिटीज़ भी पूरी अवेलेबल है। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, अब अपना खुद का जो ऑफिस कह सकते हो, केबिन कह सकते हो, काउंटर कह सकते हो, तो ये अपना एरिया है, मतलब वहाँ पे मैं बैठता हूँ, वहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, तो अपना यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं फीस वगैरह को लेके। और इस साइड जो मेरा एरिया है, इस साइड ये पूरा पार्टी अलग है, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल बनी हुई है, तो ये जो पूरा एरिया है ये कार्डियो सेक्शन है, ये पूरा इस साइड पूरा कार्डियो सेक्शन है गाइस। इस साइड अपना ऑफिस है, इस साइड आपको विट्रेनिंग भी देखने को मिल जाएगी, जैसे मैं बैठता हूँ तो मेरे को उस साइड का भी पूरा एरिया दिख जाता है और इस साइड का भी एरिया पूरा कवर हो जाता है देखने में मेरे को। इसमें आपको स्पिन बाइक मिलेगी, क्रॉस ट्रेनर मिलेगा, ट्रेडमिल्स मिलेगी आपको, और बाकी LED भी लगी हुई है जिसमें मैं बहुत कम इसको मतलब यूज़ होता है, मतलब ज़रूरत पे। बाकी इसमें कैमरे वगैरह चलते हैं, बाकी वाईफाई फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी। इस साइड आप आओगे तो इस साइड भी वेट ट्रेनिंग की कुछ मशीनें रखी है, लाइक हाइपर एक्सटेंशन, एब्डोमिनल बोर्ड और आपका डबल ट्विस्टर, तो ये एरिया भी इसका है। तो इतना ही बड़ा अपना जिम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस। और आपको चेंजिंग रूम वगैरह जिन बाइक जिनको भी करना होता है तो ये इस साइड पर्दे के पीछे इस साइड एक रूम भी बना हुआ है जो चेंजिंग रूम के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी वॉशरूम भी इसी साइड आ जाता है। और बाकी फैसिलिटीज़ देख सकते हो, ये मशीन के बारे में मैंने बताया था, तो इसमें आप हॉट वाटर भी निकाल सकते हो, नॉर्मल भी निकाल सकते हो और कोल्ड भी निकाल सकते हो, तो तीनों प्रकार के वाटर जो रहता है ना अवेलेबल रहता है, ठंडा गर्म नॉर्मल। और बाकी इस साइड देख सकते हो पूरा प्योरीफाइड आपका लगा हुआ है जिससे कि आपको पानी अच्छा पीने को मिलेगा। अपन देखा ही होगा पिछले कुछ महीनों से या साल से, एक साल से तो मैं बिजी रहा हूँ, जैसे कि पापा के बारे में भी आप लोग जानते हो, तो मेरा को जिम पूरा इंटीरियर पूरा सेट करवाना था पूरा, मतलब तो मैं करवा नहीं पाया, थोड़ा मेरे पास बजट का इशू हो गया। बट हाँ, 3-4 महीने 5-6 महीने में ज़रूर करेंगे, वो भी आपके साथ ब्लॉग पूरा मैं शेयर करूँगा, तो वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर आफ्टर वाला सीन जब होगा तब मैं आप लोग से साथ शेयर करूँगा। गुड मॉर्निंग। इस साइड बोर्ड लगा हुआ है, बट यह बोर्ड जो था ना गाइस हैंगिंग पे लगा हुआ था ऊपर, तो ये पता नहीं टूट गया क्या हुआ, आर्यन ने बताया था मेरे को, तो मैंने सेट भी नहीं किया, ये तब से लटका ही हुआ है। और ये इस बोर्ड पे आपको जो भी है, नोटिस बोर्ड कह सकते हो, इसमें आपको पूरा जो भी है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ मतलब जिनका भी वेट लॉस हुआ है या जिनका वेट गेन हुआ है या जो भी मसल बिल्ड हुआ है, तो इसमें कुछ मेरी भी फ़ोटोज़ लगी हुई है, तो ये आप लोग ये भी देख लीजिएगा। लटका हुआ था तो ये नीचे गिर गया, तो मैंने इसको स्टैंड बना के ही रख लिया है। बाकी इस साइड आपको पूरी गैलरीज देखने को मिलेगी, ये जितना भी है देखो गाइस पूरा पेंट होगा, तो अभी मैंने कुछ सेट करवाया नहीं क्योंकि बजट का इशू था। इस साइड आपको पूरी गैलरी देखने को मिलेगी, और गैलरी भी इस समय थोड़ी गंदी है क्योंकि स्वीपर छुट्टी पे है। और ये देखिए पूरी गैलरीज है, उस साइड कूलर लगा हुआ है और इस साइड AC लगा हुआ है। तो गाइस क्या चीज़ है ना, AC कूलर वाला सीन ही है कि मतलब पूरा जब जिम इंटीरियर चेंज होगा तब पूरी AC लगवाएंगे या पूरे कूलर पूरा लगवाएंगे, 3-4 कूलर रख देंगे और एग्जास्ट वगैरह भी लग जाएंगे, तो सफोकेशन वगैरह भी नहीं रहेगी। जो भी मतलब जेन्यून चीज़ है मैं वो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। AC मेरे 2 महीने से मैंने बंद करके रखे हुए, कूलर चल रहा है मेरा, तो जब इंटीरियर वगैरह पूरा चेंज करवाएंगे तब इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को और भी अच्छे से मिल जाएगी, तब बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज करवाएंगे। इस साइड आप देख सकते हो गैलरी के इस साइड जो नीचे साइड का एरिया है, ये पूरा अभी बड़ी गली है गाइस, पूरी गली दिखा दो, इस साइड से लेके पूरी आप आराम से करीबन 40-50 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती है उस साइड से लेके पूरा कॉर्नर तक। बाकी कार पार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, मॉर्निंग में आप जो कार पार्किंग है वो आप मार्केट इस साइड खड़ी कर सकते हो, गली के इस साइड बाहर साइड मतलब जिम के सामने साइड आराम से खड़ी कर सकते हो मॉर्निंग में। इवनिंग वाले बैच में बहुत सारे लोग गाड़ी भी लाते हैं तो वो अपना उस साइड खड़े करते हैं जो जिम के पीछे के साइड, जो लोग हरदोई में रहते होंगे वो जानते होंगे JIC वाले गेट पे, JIC कॉलेज वाले गेट पे। तो ये था पूरा जिम का पूरा, तो ये था जिम का पूरा, मैंने जो भी फैसिलिटीज़ थी जो भी चीज़ें थी तो वो चीज़ें मैंने आप लोग को दिखाई, और जब इंटीरियर वगैरह चेंज करेंगे तब और भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और चेंज करने वाले हैं। और भी बहुत सारे जो गर्ल्स का टाइमिंग है और बॉयज़ का टाइमिंग है, वैसे तो
पूरा बैच ही चलता है मॉर्निंग से ले जो जिम की टाइमिंग है गाइस जो 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहती है। बाकी 10 से 12 बजे में भी गर्ल्स आके कर सकते हैं। जो ऑफिशियल गर्ल्स है या लेडी है तो वो अपना मॉर्निंग में भी आ जाती है। इवनिंग में 4 से लेकर 9:30 बजे तक जिम ओपन रहता है अपना, तो उसमें भी गर्ल्स अपना 4 से 5 वैसे जो जो विंटर में जो अपना बैच रहता है गर्ल्स का इवनिंग में 3 से 5 रहता है और 5 से 9:30 तक बॉयज टाइमिंग रहती है। तो यही कुछ अपने जिम की फैसिलिटीज़ थी। कुछ ज़्यादा तो फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हाँ जितना है वो मैंने जेन्युइनली आपको बताया है। इस टाइम मॉर्निंग के 6:10 हो रहा है गाइस, और मैंने अभी म्यूजिक सिस्टम बंद करवा के रखा है ताकि आप लोग को कुछ सुनने में कन्फ्यूजन ना रहे। तो बस यही अपना जिम का पूरा जो भी था टूर था मैंने करवा दिया। अभी बहुत सारी चीज़ें पोस्टर वगैरह सब लगे हुए थे बट वो मैंने उतरवा दी है क्योंकि किसी में कुछ क्लिप वगैरह निकल रही थी। कभी कभी फ्रेम भी ख़राब हो जाते हैं जिसमें दीमक वगैरह लग जाती है, तो इसी वजह से मैंने उतरवा दिए थे। जब इंटीरियर चेंज कराएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर भी देखने को मिलेगा, प्लस मे बी मशीन भी चेंज हो सकती है अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। वो सारी चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे जब पूरा जिम पूरा चेंज कर देंगे, बिफ़ोर एक आफ्टर का पूरा वीडियो बना के, तो वो भी व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस यही गाइस फैसिलिटीज़ थी, बस यही मैं अपना जो भी है जो भी अपना जिम था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। लास्ट मैंने शुरुआत में भी एक बार आप लोग के साथ शेयर किया था तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत सारे भाई ने मेरे को बताया भी था कि एक बार भैया फिर से एक बार जिम टूर अपना बताइए, जिम दिखाइए कैसा क्या फैसिलिटीज़ है क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा चलो एक बार फिर आप लोग के साथ शेयर कर दे। तो चलो गाइस, बाकी आप लोग को भी जो लोग आउट ऑफ स्टेशन से देख रहे हो तो वो लोग भी आप लोग देख सकते हो, आराम से जिम विजिट कर सकते हो, फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेगी। बाकी जब इंटीरियर वगैरह जब चेंज हो जाएगा, पूरा जिम चेंज करेंगे तब और फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो और जिम पसंद आया हो। तो अपना यही काम है गाइस, जिम में ही रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ट्रेन करते हैं, खुद का भी वर्कआउट करते हैं तो फिटनेस भी बनी रहती है। यही चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय एंड टेक केयर।